नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी टीवी भारत। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर उठी रोष की चिंगारी ने मालदीव जैसे पड़ोसी और विश्वसनीय देशों में भी खुद को शामिल कर लिया है। मालदीव के साथ कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन समेत 13 देशों ने भारतीय राजनयिकों से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे इस तूफान से विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हैरत में हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कूटनीति और विदेश नीति में पिरोया जवाब दे दिया है, लेकिन पूर्व राजनयिकों, नौकरशाहों और भाजपा के नेताओं को भी इससे दूरगामी परिणामों की चिंता सताने लगी है। भाजपा के ही कुछ नेता इस यूक्रेन रूस टकराव में भारत का रूस के पक्ष में खड़े होना मान रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी और यही वजह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर तंज कसते हुए ये बयान दिया। आरएसएस से जुड़े रविंद्र जायसवाल को इसके पीछे अमेरिका दिखाई दे रहा है। जायसवाल का कहना है कि कुछ दिन पहले ही भारत में धार्मिक आज़ादी को लेकर अमेरिका ने सवाल उठाया था। वो अमेरिका का ही साथ देने वाले यूएई, कुवैत, कतर जैसे देशों के लिए इशारा कर रहे थे। जायसवाल इसके लिए भारतीय राजनयिक द्वारा नुपुर शर्मा के बयान को शरारती तत्व के बयान की संज्ञा देने में भी सही नहीं ठहराते। भाजपा के उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक प्रभा शंकर पांडे भी ये कह रहे हैं कि पार्टी को इस मामले में आगे बहुत सोच समझ कर बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के वक्तव्य के बाद भी पैगंबर मोहम्मद साहब के संदर्भ में भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए बयान के प्रति नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस नाराजगी को कम करने के लिए भारत के राजनयिक अपने स्तर से विशेष प्रयास कर रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार का कहना है कि इस मामले में विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। मुद्दा गंभीर होता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा देने के लिए भारत को पहल करनी पड़ सकती है। पूर्व राजनयिक एस के शर्मा कहते हैं कि भारत को धार्मिक स्वतंत्रता और ईश निंदा की संवेदनशीलता को समझकर आगे आना ही होगा। एस के शर्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भरोसा देने के बाद सब ठीक हो जाएगा, सरकार को इसे आगे भी ध्यान में रखना होगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसे लेकर अभी भी घमासान की स्थिति बनी हुई है। यूएई में रह रहे दीपक डलाकोटी ने बताया कि भारतीय सामानों के बहिष्कार का संदेश तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। दीपक कहते हैं कि यूएई, कतर, कुवैत समेत तमाम देशों में तमाम भारतीय रहते हैं, भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े पैमाने पर भारत के सामानों की आयात होती है। यदि इसी तरह से सोशल मीडिया पर यह संदेश ट्रेंड करता रहा तो परेशानी खड़ी हो सकती है। अमित अनुराग पेशे से यूएई की कंपनियों और पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं। 15 दिन पहले दुबई से भारत आए अमित अनुराग को भी ये ताज़ा घटनाक्रम अनुकूल नहीं लग रहा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को देश में समान नागरिक कानून को लाया जाना उपयुक्त लगता है। भारत सरकार के कुछ और मंत्री अंदर खाने चर्चा में इसकी वकालत करते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय के एक एडिशनल सेक्रेटरी भी 2 सप्ताह पहले इस तरह के कानून के पक्ष में थे, लेकिन नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट में बयान सामने आने और उठे बवंडर के बाद उन्हें इस कानून के मसौदे को लेकर कोई निर्णय ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि रंजीत कुमार कहते हैं कि सरकार पॉलिटिकल इकोनॉमी में व्यस्त है, ये 2024 को लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडे का कहना है कि मुझे लग रहा है कि लोगों को ईश निंदा, सांप्रदायिक बंटवारा और तनाव टकराव बढ़ाने वाले मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी। पांडे कहते हैं कि ये इससे पहले भी बरती जानी चाहिए थी। हालांकि भाजपा के ही कुछ नेताओं का कहना है कि ये मुद्दा ठीक से नहीं लिया गया। विदेश सेवा के अधिकारियों ने विदेशी दबाव में शरारती तत्वों जैसे शब्द का इस्तेमाल करके सब गड़बड़ कर दी। प्रयागराज में ज्ञानेश्वर शुक्ला बताते हैं कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भारी रोष है। भाजपा के कार्यकर्ता जहां नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई से नाराज हैं, वहीं दिखावे भर की कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे में पार्टी और सरकार दोनों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बनी हुई है। पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बना दी गई। सूत्रों का मानना है कि विवाद खड़ा होने के बाद इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय में रुचि रखने वाले भाजपा के एक नेता का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक वर्ष 2014 से ही भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सांप्रदायिक बताने में तुला है। वे कहते हैं कि चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या CAA, NRC के देश का राजनीतिक दलों से ही भारत सरकार को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने धार्मिक सहिष्णुता पर आईना दिखाने वाले लोगों को ताकीद किया है। उन्होंने कहा कि भारत को धार्मिक सहिष्णुता के मामले में किसी से भी सीख लेने या उनका व्याख्यान सुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जयवीर शेरगिल ने इसके साथ भाजपा को भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि क्षुद्र राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा को भी देश में धर्मनिरपेक्ष पहचान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, और जानकारी के लिए आप देखते रहिए वीडी टीवी भारत।